हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अचल। तो भाई कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हमारे सामने खड़ी है स्कॉर्पियो एन और अपनी स्कॉर्पियो 5074 क्लासिक और एन। तो आज इन दोनों की ड्रैग रेस करने आए हैं, तो ये देखते हैं कि कौन सी जीतेगी, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है। मेरे ख्याल से तो भाई यही निकलेगी, बाकी तो अभी देखते हैं वीडियो में क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। और ये गाड़ी हमारी मैट ब्लैक स्कॉर्पियो, जानते होंगे विक्रम भाई की। तो कैसे हो भाई? भाई बहुत बढ़िया, बताओ। बहुत बढ़िया भाई, ये बताओ क्या लग रहा है आज आपको? इनिशियल तो जाएगी स्कॉर्पियो क्लासिक, क्लासिक ही बोलूंगा ऐसे। हाँ बाकी लेकिन बाद में तो भाई इनिश मतलब मिड ज़्यादा है, इसका मतलब मिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। तो पावर की बात करें भाई, इसमें कितनी आती है? भाई आती है 174 400 Nm का टॉर्क, वन ऑटोमेटिक डीजल ऑटोमेटिक। और इसकी भाई बात कर लें, 140 और 319 Nm का टॉर्क आता है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। इसकी बात कर लें, इसमें हमारे बारे में लगे हुए अलॉयज, जैसा आपको पता है भाई सभी को, जो भाई नया तो उसको बता देते हैं, ये 20 इंची का अलॉय है। तो इसमें डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है। और यही है कि अलॉय लगने के बाद थोड़ा वेट बढ़ जाता है, तो कॉन्फिडेंस कम आता है। लेकिन ये है कि क्या बोलते हैं, पावर थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि उठने में दिक्कत करती है, क्योंकि वेट बढ़ जाता है। ग्रिप बनती है तो वैसा पावर मतलब जो मजा आता है, लेकिन ड्रैग रेस मतलब कम ही करनी चाहिए। मतलब कम क्या एक हो जाता है ना कि उतनी कामयाब नहीं रहती, उतनी कामयाब नहीं रहती ड्रैग रेस के लिए। दो गाड़ी होगी ना, अगर हम स्कॉर्पियो क्लासिक भी लेके आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं दोनों गाड़ियों में इतना डिफरेंस आ जाएगा कि आगे पीछे मतलब रहेंगी। आधा एक बोनट मतलब इसका पीछे रहेगा, पीछे रहेगा, एक बोनट पीछे रहेगा। आपने स्कॉर्पियो इनोवा की ड्रैग रेस देखी है कभी? सिंपल अलॉयज और उसकी स्कॉर्पियो इनोवा की? हाँ नहीं देखी, आपकी देखी है शायद, आप लेके गए थे। हाँ ये तो जीत जाती है, और जो बिना अलॉय वाली है वो हार जाती है। अच्छा ये भी डिफरेंस है, वही भाई ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर फर्क रहता है। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो भाई बेल्ट लगा लेते हैं और करते हैं स्टार्ट। पहले पूछते हैं इसे ऑन रखना ऑफ रखना है, क्या रखना भाई से? एसी ऑन ऑफ? भाई एसी ऑफ ऑफ। चलो एक काम करते हैं, पहले राउंड में एसी ऑन रखें। ठीक है, पहले राउंड में एसी ऑन करते। ठीक है भाई, एसी भाई कर ऑन नॉर्मल। अच्छा ठीक है, भाई रॉ पावर ठीक है भाई। चलो तीन हॉर्न आप देना, हॉर्न आप देना, मैं दे देता हूँ। चलो ठीक है, चलो तो भाई एक बार करते हैं वीडियो स्टार्ट। बैक गेट लग गया हाँ इसमें वो हो जाती है दिक्कत थोड़ी सी। चलो तो भाई दोबारा करते हैं, ये थोड़ा सा बैक गेट लग गया था। इनिशियल में आ गई थी, बाकी फिर क्रॉस कर गई। अब तो भाई गैप बना रही है कैडा, 100 हो गई है गाड़ी, और बहुत अच्छा गैप बना दिया, बहुत अच्छा गैप जिसे बोलते हैं, 120 140 नहीं, इनिशियल में तो रही आगे, और बाकी फिर स्कॉर्पियो ने जैसे बोला वैसा गैप बना दिया। बढ़िया, हाँ इनिशियल में रही 40 तक आगे थी, हाँ उसके बाद फिर हो गया। तो अब क्या करना है? AC ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, और मोड मेरा नॉर्मल ही है। ठीक है, तो अब भाई दूसरा राउंड करते हैं। ये देखो बाकी स्कॉर्पियो का लुक चेक करो आप, एसी कर दिया ऑफ। अब डाल लेते हैं पहले गियर में, ये देखो 60 और 80 90 पे क्रॉस करा है, अब भी 60 चल रही है बार, मतलब यार 90 पे क्रॉस करा है इस बार तो लगभग। ये देखो 120 पत्थर आ रहे हैं, तो थोड़ी स्पीड कम कर लेते हैं। एसी ऑफ में डिफरेंस तो काफी आ गया यार। इस बार तो 80-90 पे क्रॉस करा, पूरे 80 पे हाँ क्रॉस कर, तो फर्क आ जाता है। तो एक काम करें, अब
एक काम करता हूँ मैं, ये जिप मोड लगा देता हूँ। ठीक है, जो सबसे फास्ट मोड है। नहीं, सबसे स्लो मतलब जो इकोनॉमी मोड होता है वो इसका जिप मोड। ठीक है, लगा लेता हूँ और ये एसी ऑफ कर लूँ। एसी ऑफ कर ले तो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। ओके जी, तो चलो भाई इस बार भाई इसमें सबसे नॉर्मल मोड लगा रहे हैं, जिप मोड जिसे बोलते हैं, मतलब अपनी वाली एन में। और बाकी हमारे तो भैया कोई मोड वोड कुछ नहीं है, सब रॉ पावर है, सब धड़ाके से चलता है। वो ये मैनुअल का फायदा तो होता ही है यार, निकल ली है आराम से निकल ली है स्टार्टिंग में, लेकिन वही है भाई पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जिसे बोलते हैं ट्रासिक। 100 NM का तो भाई उसका में टॉर्क का ही वो है फर्क। एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है। ठीक है भाई, आप मतलब एसी ऑफ ही रखना। मेरे तो ऑफ ही है भाई। ठीक है, व्हील स्पिन ही होता रह गया इस बार तो भाई, व्हील स्पिन ही हो गया पूरा। हाँ, लॉन्च ही नहीं हुई, ज्यादा वो दे दिया आरपीएम। चलो ठीक है, व्हील स्पिन ही हो गया भाई पूरा इस बार, नहीं होने दिया व्हील स्पिन। 80 90 इस बार तो भाई नहीं आई। और 120 पीछे चल रही है, नहीं 120-130 चली गई थी लेकिन नहीं हुआ। ये रही अपनी स्कॉर्पियो, इस बार तो फर्क है भाई काफी। इस बार तो नहीं हुआ, बिल्कुल ढीला है ना, मतलब कोई ऐसा लग रहा है। मैं सोच रहा आपने लॉन्च ही नहीं करी। नहीं लॉन्च तो नहीं करी मैंने, मतलब हाँ, नॉर्मल उठाई थी लेकिन बाइक बहुत मतलब बलिनो से स्विफ्ट से हार जाएगी जिप मोड। अच्छा जी, हाँ। पर वेट का भी तो फर्क है ना फिर जिप मोड में। लेकिन मोड में पावर है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी पावर नहीं है बिल्कुल भी। तो एक काम करते हैं, इसमें पूरी इसकी पोटेंशियल लगा दो, इसका पूरा पोटेंशियल लगा देते हैं। ये कौन सा मोड रखूंगा जिसमें पूरी पावर जनरेट करती हो? जूम। हां जूम मोड करो, इसमें देख लेंगे, कर लेते हैं और जूम मोड लगा लेते हैं। हां क्या करना? जूम मोड लगा लेता हूं। ठीक है, एसी ऑफ, हां उसमें क्या है कि एक बार फाइनल रिजल्ट पता चल जाए कितना डिफरेंस है। हार नहीं तो है ही, लेकिन वो है कि इसमें किसी में 80 पे निकल लिया, इसमें निकली नहीं, तो एक जूम मोड में पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो इधर से एक भाई फाइनल राउंड करते हैं। इस बार स्कोर भी पूरी पोटेंशियल से चलेगी और अपनी तो भाई पोटेंशियल से चलती है, पिछली बार तो व्हील स्पिन ही होता रह गया भाई, गाड़ी बढ़ी ही नहीं। तो इस बार देखते हैं व्हील स्पिन ना होने दें, फुल पोटेंशियल उसका चलेगा, फुल पोटेंशियल अपना चलेगा। हाँ इसका भी ट्रैक्शन ऑन ही रख लेता हूँ। ठीक है, इसमें नहीं आता, नहीं आता इसमें, ट्रैक्शन ऑन ही रख लेता हूँ। ठीक है, और जूम मोड जो इसका फास्ट मोड है, फास्ट मोड है। ठीक है, ओके जी, अब करते हैं भाई लास्ट एंड फाइनल राउंड, इसमें हमें फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा। एक बार भाई इसमें जूम मोड लगा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उसमें अलग से बटन तो आता नहीं है, उसमें वो करके स्टेयरिंग से लगाना पड़ता है। ओके जी, इस बार तो भाई साथ ही उठी है। ओहो हो, जूम मोड तो भाई इसका अलग ही चीज है, देखना जूम मोड में तो अलग ही पावर दिखा दी इसने। ओहो हो, ना बहुत डिफरेंस आ गया भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया जिसे बोलते हैं। इसे कर देते हैं बंद, अब देखते हैं भाई कैसे लगाएंगे, उस हिसाब से मैं लगा दूंगा, घुमा के लगानी है। ठीक है, एक ही सके में आलिया सुना मैंने नाम तेरा, तकड़ा बदनाम चाल रहा पता काम तेरा। तो भाई अपनी ड्रैग रेस हो चुकी है डन, और अगर स्टार्टिंग की बात कर ले, इसमें एसी ऑन था, इसमें भी एसी ऑन था, तो ये इसने
नहीं हाँ, इसने 40 पे क्रॉस कर दिया था इनिशियल, बिकॉज मैनुअल है तो इनिशियल थोड़ा सा अच्छा रहता है मैनुअल गाड़ी का, इस वजह से इसने 40 पे क्रॉस कर दिया। फिर इसका एसी ऑफ कर आपने देखा सेकंड राउंड में, तो इसने 80-85 पे क्रॉस कर दिया था। एक्चुअली इसमें 85 हो गया था, मेरे में 90 हो गया था, इतना ही फर्क था, मतलब 80 पे क्रॉस हो ही गई थी ऑलमोस्ट। और थर्ड राउंड में भैया ने लगाया बिल्कुल जिप मोड है ना, जिप बिल्कुल जिसका होता है ना कि जिसमें गाड़ी पूरी कम पावर जनरेट करती है वो, तो उसमें तो बिल्कुल ही भाई निकल ही नहीं पाया, बिल्कुल महिंद्रा ने ऐसा मोड दे रखा है, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना लद्दड़ मोड, वो मोड था इसका, इसमें नहीं निकल मैं बेकाम का मोड। वो इसमें माइलेज वगैरह देती है कुछ, फिर माइलेज देती है, मतलब वही हाईवे पे तुम लगा क्रूज पे लगा के छोड़ दो। तो ये चीज थी। बाकी फिर इसमें भैया ने लगाया इसका हनुमान मोड, जो स्कॉर्पियन फेमस है भाई जूम मोड, और जूम मोड में लगती है मैं तो देखता ही रह गया गाड़ी कब मेरे को कब निकल गई। पहले उसमें ही मतलब ऑटोमेटिक होने के बाद, मैनुअल होने के बाद मैंने उठाई भी सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले उसमें ही लग 10 पे इसने 10-20 पे क्रॉस कर दिया, फिर तो इतना गैप बनाते चलेगी, मैंने खुद ही रोक लिया, मैं कोई फायदा नहीं करने का। तो यही चीज थी, बाकी आपका क्या कहना भैया इस बारे में? भाई देखो दोनों गाड़ियां ना मेरा प्यार है, इन गाड़ियों की बेइज्जती नहीं कर सकता मैं, दोनों मेरे लिए दोनों गाड़ियां थी, दोनों जीत गई। और वो ये कि थोड़ा जनता के हिसाब से बोलूं तो भाई टाइम के साथ ऐसे महिंद्रा ने चेंज किया, महिंद्रा स्कॉर्पियो सेफ्टी भी दिया, 5 स्टार रेटिंग कार है, ट्यून कर रखा है, उस हिसाब से देखते तो भाई क्लियर विनर तो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो है मेरी नजर में, दोनों स्कॉर्पियो जीत, दोनों स्कॉर्पियो जीत गई। तो भाई ऐसे कुछ थे, बाकी विक्रम मलिक बॉक्सर भाई का यूट्यूब चैनल है सभी जानते होंगे, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मैं टैग भी कर दूंगा, तो भाई को जरूर सब्सक्राइब करना जिस भाई ने नहीं कर रखा। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, कुछ अच्छा लेके कुछ नया लेके, भैया की लाइन मैंने अभी मिली, तो करते हैं इस वीडियो में ही खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। भाई एक बात और एडिट कर दूं, वीडियो मैंने खत्म कर दी थी, अपने कॉम्पिटिशन में भाई अब भी बहुत तगड़ी पावर दे रही है अपने कॉम्पिटिशन में भाई, मतलब इसके चक्कर में ना इसने इनोवा को हरा रखा है, ये भाई XUV500 को हरा रखा है, इसने थार को हरा रखा है, ये ऐसी गाड़ी है मतलब जो अपने सेगमेंट में भाई किसी से टक्कर दे दो, फॉर्च्यूनर तो फिर भाई पूरे अलग सेगमेंट हो जाता है, लेकिन अपने सेगमेंट में इनोवा थार और ये जो भी इसके सेगमेंट में आती हो, बाकी ये तो भाई नई गाड़ी आ गई है तो उसका तो डिफरेंस है। तो उसका तो डिफरेंस है, बाकी अपने सेगमेंट में भाई ये अब भी किंग है, थार को हरा रखा 500 को, इनोवा को क्लासिक रखा है ना, क्लासिक है ये, क्लासिक है, बस ये कि ये नई आ गई है, पावर का डिफरेंस है, बाकी इनोवा को बहुत पास कर दिया भाई, बाकी आज भी उस गाड़ी का रुतबा जो है ना ये मैच नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, पर इसका अलग है, इसकी अपनी जगह, इसकी अपनी जगह है, इसका अपनी जगह है, वही चीज़ है। तो करते हैं भाई दोबारा इस वीडियो को खत्म।